वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज के माइनक्राफ्ट व्लॉग में हम देखने जा रहे हैं MIT कॉलेज की इंजीनियरिंग बिल्डिंग और लाइब्रेरी साइड का कुछ एरिया। बाकी तो आप सबको पता ही होगा कि पिछले वाले वीडियो में हमने ये पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया है, जो कि है पॉलिटेक्निक बिल्डिंग और बाकी सब एरिया। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम चलने वाले हैं इंजीनियरिंग बिल्डिंग। अब देखो, इंजीनियरिंग बिल्डिंग को जाने के लिए यहाँ पे दो तीन नहीं, मेरे हिसाब से तो चार रास्ते हैं। आपको चारों बता दूंगा। तो ये देखिए, ये जो है वो पॉलिटेक्निक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर पे है हम। तो यहाँ से जो एक सीधा रास्ता जाता है वो सीधा वो बिल्डिंग को कनेक्ट होता है इंजीनियरिंग बिल्डिंग को। बीच में एक छोटा रोड बना है, ऊपर शेड है और यहाँ से थोड़ी सी हरियाली दिखाई देती है दोनों बिल्डिंग के बीच में। देखिए, आपको दिख रही होगी थोड़ी बहुत। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ से हमारी एंट्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग में हो जाती है। तो देख सकते हैं आप, ऊपर जाने के लिए छोटे से सीढ़ियाँ है और सामने झाड़ दिखाई दे रहे हैं हमको। ये पूरी जो बिल्डिंग है इसको बहुत बड़ी है एक्चुअली, और चारों साइड से कॉरिडोर है। देखिए, आप देख सकते हैं पूरा वो साइड तक है, इधर भी है और बीच में झाड़ है, पेड़ पौधे और छोटा सा गार्डन भी है। वो आपको मैं ऊपर से दिखा दूंगा। तो जब आप इस बिल्डिंग में आते हो, इधर लेफ्ट साइड को एक सेमिनार हॉल है। यहाँ पे मैं बहुत बार आ चुका हूँ, चलिए आपको बता देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ बैनर लगा, इवेंट वगैरह होगा अंदर, चलिए देखते हैं। ये देखिए, रेड कारपेट है, बाकी तो बैठने की व्यवस्था की गई है चेयर्स है, और सामने हमको दिखाई देता है एक बढ़िया स्टेज। तो चलिए स्टेज पे चलते हैं। स्टेज तो पूरा ब्लू कलर का है, सीढ़ियाँ है दोनों साइड से। ये देखिए, यहाँ पे टेबल है, चेयर से जो भी चीफ गेस्ट होंगे या फिर HOD होते हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। पीछे तो पार्टिसिपेंट्स की रूम है, दो छोटे कमरे हैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स खड़े होते हैं, और यहाँ पे एक प्रोजेक्टर भी है गाइस। ये देखिए, आप देख सकते हैं इवेंट के लिए तो लगता है प्रोजेक्टर, बाकी स्टेज तो बड़ा अच्छा है। चलिए हम पीछे चलते हैं। पीछे से भी एक गेट निकलता है जो डायरेक्टली बाहर ये साइड निकलता है, वो बता देता हूँ। एक्चुअली वो गेट से एंट्री भी ले सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं, एंट्री हो एग्जिट हो। ये देखिए, यहाँ पे मैं बाद में घूम के आ जाऊँगा तब देख लेंगे हम। यहाँ से नज़ारा देखिए, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। चलिए अब हम जाने वाले हैं बिल्डिंग में वापस, और मैं आपको लेके जाऊँगा इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे, जो कि है थर्ड फ्लोर। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा व्यू अच्छा दिख रहा है पूरा बिल्डिंग का एरिया, और वो साइड जो है ये एरिया उधर मेन गेट है, वो भी बता दूंगा। चलिए अब हम चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। इस बिल्डिंग में भी बहुत सारे क्लासरूम है, लैब्स है। आपको एक क्लासरूम बता देता हूँ पहले। तो ये देखिए, क्लासरूम तो पूरी सेम है यहाँ पे, तो बाकी तो बोर्ड है, टेबल है और प्रोजेक्टर भी है। ये देखिए, ये क्लासरूम थोड़े अच्छे लग रहे हैं, थोड़े बड़े हैं ना इसीलिए। चलिए अब हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि हमको देखना है बीच में का व्यू, नज़ारा देखेंगे। तो ये आ गया हमारा फर्स्ट फ्लोर, ऊपर होगा सेकंड फ्लोर, चलते हैं। ये देखिए, सेकंड फ्लोर मतलब हर एक फ्लोर पे कॉरिडोर आपको दिखाई देगा। चलते हैं थर्ड फ्लोर पे, और फाइनली ये आ गया टॉप फ्लोर जो कि थर्ड फ्लोर। ये देखिए, यहाँ से सिर्फ नज़ारा देखिए, कितना अच्छा नज़ारा दिख रहा है, बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। देखिए, पूरा गार्डन है, साइड को छोटे छोटे पेड़ है, चलने के लिए रास्ता है गार्डन में, और वो साइड स्टेज है छोटा सा और ब्लैंक एरिया, कोई छोटा मोटा प्रोग्राम होगा। अब हम जाएंगे वो मेन गेट के पास, तो मैं शॉर्टकट ही ले लेता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा शॉर्टकट चलता है। वैसे तो बहुत टाइम लग जाएगा अगर हम पूरा घूम के आएंगे कॉरिडोर में से आएंगे तो। और ये हम आ गए हैं, अब सामने से हमको सीधा मेन गेट को एंट्री मिल जाएगी। आगे आते हो यहाँ पे हमको ये पूरे बिल्डिंग की एक मेन एंट्रेंस दिखाई देती है, या ये रही मेन एंट्रेंस, या पूरे कॉलेज के भी मेन एंट्रेंस बोल सकते हैं आप इसको। तो आपको एक बाहर का भी एक व्यू दे देता हूँ। ये देखिए, सामने हमको दिखाई देता है एक सर्कल जो कि रोड है, मतलब उसे आते जाते, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा रोड कनेक्टेड है। और ये रही पूरे मेन बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस, मतलब इंजीनियरिंग बिल्डिंग की मेन एंट्रेंस। देखिए आप देख सकते हैं
दोनों साइड को यहाँ पे फाउंटेन लगे हुए हैं। अब बड़ी अच्छा नज़ारा है ये। और ये जब आप मेन एंट्रेंस में आते हो इधर देखिए, ये साइड से उधर जाने के लिए रोड है, इधर से भी छोटे छोटे झाड़ लगे हैं। और जब मेन एंट्री एंट्रेंस में एंट्री कर ली हमने, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को आपको एक रिसेप्शन काउंटर दिखाई देता है। ऊपर कुछ सर्टिफिकेट्स बैनर्स लगे हुए हैं, फोटो फ्रेम्स हैं, और इधर कुछ बैठने के लिए सीट्स भी बनाए गए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं इवेंट्स के लिए, कुछ इवेंट होते हैं तो। बाकी छोटे मोटे झाड़ है और ऊपर एक बालकनी भी है, चलिए आपको वो बता देता हूँ। तो ये पूरा मेन एंट्रेंस का एरिया है, ये देखिए अच्छा लग रहा है ये एरिया भी, पूरी बालकनी है। अब हम जाएंगे लाइब्रेरी का एरिया एक्सप्लोर करने, मतलब MIT कॉलेज की जो लाइब्रेरी है उधर। बाकी ये देखिए यहाँ से पूरा गार्डन का भी अच्छा नज़ारा आता है। ये देखिए ये साइड आधे इसमें गार्डन है, आधे इसमें स्टेज है, ताकि कुछ इवेंट होगा तो लगता है छोटा मोटा इवेंट होता होगा। अब लाइब्रेरी को जाने के लिए यहाँ पे दो तीन रास्ते, एक रास्ता बाहर से ही चला जाता है, नहीं तो एक रास्ता अंदर से भी जाता है। तो हम किधर से भी जा सकते हैं, हम जाएंगे अंदर से। तो चलिए चलते, मतलब इस बिल्डिंग के दो एंट्री तो आपको बता दिए कि मेन एंट्रेंस इधर वाली और एक जहाँ से हम आए उधर से। ये हो गई इसकी थर्ड एंट्रेंस जो कि लाइब्रेरी के यहाँ पे एग्जिट होती है, और एक एंट्रेंस इधर से भी है, वो आपको बाद में पता चल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से सामने सीधा एक छोटा रोड है और आगे वहाँ से लाइब्रेरी की बिल्डिंग हमको दिखाई देती है। ये देखिए गाइस, ये जो पूरी है वो लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, और वो हमको हमारा वर्कशॉप दिखाई देता है, मतलब ये रोड उस साइड कनेक्ट हो जाता है गाइस। ये देखिए बाकी तो झाड़ बाड़ लगे हैं, झाड़ों की तो कमी नहीं है। और जब हम इधर आते हैं, ये रही लाइब्रेरी का एंट्री वगैरह। अब हम ये थोड़ा सा पार्किंग एरिया देख लेते हैं। ये देखिए अलग अलग पार्किंग है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है। और ये देखिए ये भी एरिया बड़ा अच्छा है, यहाँ पे आप बैठ सकते हैं, छोटे झाड़ लगे हैं। बाकी इधर से वो मेन एंट्री दिखाई देती है हमको। ये देखिए यही इंजीनियरिंग बिल्डिंग का स्कॉलरशिप सेक्शन है, जैसे पॉलिटेक्निक। अब हम चलते हैं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी की तो एक ही एंट्री है। ये देखिए जैसे आप लाइब्रेरी में एंट्री करते हो गाइस, यहाँ पे राइट साइड को वॉचमैन का टेबल है, सिक्योरिटी बेटर रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लेफ्ट साइड को थोड़े से रैक्स बने हैं, जहाँ पे आपको आपके बैग्स रखने पड़ते हैं। बैग लेके तो आप अंदर नहीं जा सकते, अगर आपको पढ़ते बैठना होगा अंदर। तो चलते हैं अंदर, सामने जो नज़ारा है वो थोड़ा बैठने का एरिया दिखता है, और उसके भी सामने हमको बहुत सारी देखिए नेचुरल लाइट बोल सकते हैं, जो कि सीधा ऊपर से आ रही है। और यहाँ पे एक स्लोप बना है जो कि ऊपर जाता है। और इधर है विंडो जो कि है पॉलीटेक्निक के, जो बच्चों को बुक्स चाहिए इसको बोलते हैं बुक इशूइंग काउंटर बोल सकते हैं, वो यहाँ से बुक्स लेते हैं। देखिए पूरी बुक्स रखे हैं अंदर, वो सर यहाँ पे बैठते हैं और पॉलीटेक्निक के बच्चे यहाँ से बुक्स ले सकते हैं। बाकी ऊपर तो बड़ा ही नेचुरल लाइट आती है सीधी, ये स्लोप सीधा ऊपर कनेक्ट होता है। आपको ये नीचे वाला एरिया बता देता हूँ पहले। ये देखिए जब हम इधर आते, इधर सीटिंग एरिया है, सीटिंग एरिया बोल सकते हैं, मतलब यहाँ पे कोई बुक्स शेल्फ तो नहीं दिख रहा, तो ये सिर्फ बैठने बैठ के आप तो अपनी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ पे। ये देखिए अलग अलग सेक्शंस बने हैं, हर कोई अपनी प्राइवेटली स्टडी कर सकते हैं। ये देखिए इधर भी बीच में एक टेबल है, कॉन्फ्रेंस टेबल, कुछ डिस्कशन के लिए होगा। और ये साइड भी सेम है, दोनों साइड सेक्शंस बने हैं। ये देखिए ऐसे आप अपनी बैठ के यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं शांति से, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो अब हम चलते हैं ऊपर, लाइब्रेरी में बहुत सारे फ्लोर्स हैं, आपको दो तीन बता दूंगा। ऊपर जाने से पहले इधर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एरिया दिखाई देता है, जो आप वो लाइब्रेरी में एंट्री करके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड आओगे, ये देखिए आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। सामने एक गोल टेबल है। ये एरिया में एक्चुअली क्या होता है गाइस, कि यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर्स रखे होते हैं, और यहाँ पे कोई भी आके न्यूज़पेपर्स पढ़ सकता है, टीचर्स भी पढ़ सकते हैं, बच्चे भी पढ़ सकते हैं। बाकी ऊपर से भी एरिया बड़ा अच्छा है, पूरी फ्रेश लाइट आती है। सामने एक विंडो है जो कि ऊपर दिखती है,
बड़ा ही अच्छा वातावरण है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं ऊपर ऊपर, जिसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो ये देखिए, ये जो स्लोप है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है सीधा। अब हम चलते हैं अंदर। ये जो एंट्री है ये देखिए, सामने भी कुछ बुक इशूइंग काउंटर है, लेकिन ये जो है यहाँ पे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपने बुक्स देते हैं गाइस, उनके लिए बनाया गया है। और जैसे आप यहाँ से सीधा आते हो लेफ्ट साइड, इधर से वो ही नज़ारा दिखता है। व्यू बड़ा ही अच्छा है, देखिए सब दिखाई देता है यहाँ से, एकदम क्लियर कांच का एरिया। और वहाँ भी जब आप लेफ्ट साइड आते हो तो इधर सीटिंग एरिया, यहाँ पे थोड़े बहुत बुक्स भी मिलते हैं पढ़ने के लिए। देखिए जब आप एंट्री लेते हो यहाँ पे, एक रिजर्व पे आपको अपनी एंट्री करनी होती है ताकि बैठ सकते हो। बाकी तो इस एरिया में बहुत सारे बुक्स है, इधर प्राइवेट सीन है। और इधर से पूरे बड़े बड़े टेबल्स है और बहुत सारे चेयर्स है जहाँ पे बच्चे बैठते हैं। ये देखिए ऑलमोस्ट बहुत सारे चेयर्स और टेबल है यहाँ पे, कोई कमी नहीं है। इधर कुछ रेफरेंस बुक्स है जहाँ से आप लेके पढ़ सकते हैं। ये देखिए इधर भी बड़ा ही अच्छा एरिया है ये। देखिए आपको कोने वाले सीट से कैसा दिखती लाइब्रेरी वो बता देता हूँ। ये देखिए सब यहाँ पे चुपचाप बैठ के अपना अपना काम करते, साइलेंटली करना पड़ता है, आवाज़ की ये वाला तो चलता नहीं है। तो चलिए यहाँ से हम बाहर जाते हैं और ऊपर का कुछ एरिया देखेंगे। ऊपर भी ऐसा ही कुछ सीटिंग एरिया बना है गाइस, ये देखिए आपको बता देता हूँ। ये जो एरिया है मोस्टली बंद ही होता है, यहाँ पे कुछ बड़े बुक्स रखे होंगे, मतलब हायर एजुकेशन के वगैरह, जो ज़्यादा किसको लगते नहीं, इसीलिए। लेकिन इधर भी बैठने के लिए सीटिंग एरिया है पूरा, दोनों साइड में एक राउंड टेबल है, देखिए आप देख सकते हैं टेबल है, चेयर्स है। ये देखिए अलग अलग बुक्स के अलग अलग शेल्व्स लगे हैं पूरे लाइब्रेरी में, वहाँ तक। इधर भी वैसे ही सीटिंग एरिया है, इधर से बैठो उधर से। इस लैब में चार्जिंग, मतलब चार्जिंग पोर्ट्स भी अवेलेबल है, ऐसे कोने पे रहते हैं। तो आगे चलते हैं, बुक्स है इधर, कुछ राउंड टेबल्स है, और बड़ा ये भी एरिया अच्छा है, लेकिन ये मोस्टली बंद होता है गाइस। तो अब हम चलते हैं नीचे। ऊपर भी कुछ ऐसे ही फ्लोर से, ये देखिए यहाँ पे एक फ्लोर है, ऊपर भी दो फ्लोर है, और मतलब दो रूम है। तो अब हम चलते हैं नीचे। ये पूरा था गाइस लाइब्रेरी का एरिया, MIT कॉलेज की लाइब्रेरी बहुत बड़ी है वैसे तो। देखिए ये है वो स्लोप जहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ सीन है असली में कॉलेज में भी। तो अब हम चलते हैं लाइब्रेरी से बाहर, और बाहर का नज़ारा देखते हैं। तो ये ज़रा बाहर का नज़ारा देखते हैं। और जब हम ये साइड आते हैं, जैसे मैंने पहले बताया इधर पार्किंग एरिया है। अब इधर पार्किंग के लिए तो बहुत सारे सेक्शंस बनाए हैं ऐसे, इसको बोल सकते हैं टू व्हीलर पार्किंग, फोर व्हीलर पार्किंग। और ये देखिए पूरे लाइब्रेरी का बाहर से नज़ारा देखिए गाइस, बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। बीच में छोटे झाड़ है, बड़े झाड़ भी है। और वो साइड जो बिल्डिंग दिखती है, मतलब एंट्रेंस दिखता है जो कि लाइब्रेरी बिल्डिंग को जॉइंट है, वो है नर्सिंग कॉलेज और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है वो। तो ये था पूरा गाइस पॉलिटेक्निक बिल्डिंग से इंजीनियरिंग बिल्डिंग और लाइब्रेरी बिल्डिंग तक का सफ़र। तो अगले वीडियो में हम इसी कॉलेज की पॉलिटेक्निक की न्यू बिल्डिंग और वो साइड का एक मेन गेट देखने वाले हैं। और अगला वीडियो इस कॉलेज का फाइनल एपिसोड होगा गाइस, उस वीडियो में मैं आपको पूरे कॉलेज का एक ड्रोन व्यू भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो ज़रूर देखना, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आ गई होगी तो वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज का वीडियो यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय।